फिट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, चाहे वो ये नींबू पानी या फिर आपकी सुबह की अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग। सुबह सुबह फ्रेश एयर का मजा ही कुछ और होता है, लेकिन कब तक आप ये फ्रेश एयर एंजॉय कर पाएंगे? दिन ब दिन एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से ह्यूमन हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। लेकिन इंडिया में कुछ ही ऐसी कंपनीज हैं जो कि इस प्रॉब्लम को काफी सीरियसली लेती हैं, और उनमें से एक है मॉरिस गैराजेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। माय नेम इज ऋषभ और आज है हमारे पास द जीरो एमिशन एनवायरनमेंट फ्रेंडली द MG ZS EV। लेकिन इलेक्ट्रिक होने का यही बेनिफिट नहीं होता कि एयर पोल्यूशन नहीं जनरेट करती, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एक्सक्लूसिव पॉइंट्स हैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर देख लें। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऋषभ आज एनवायरनमेंट के बारे में इतनी बात क्यों कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि आज है अर्थ डे। पिछले बहुत सालों से 22 अप्रैल को इसे हर साल मनाया जाता है, ऑलमोस्ट 51 ईयर्स से एंड 190 से ज़्यादा कंट्रीज इसे सेलिब्रेट करती हैं। और एनवायरनमेंट के बारे में बात हो, उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और MG ZS के बारे में बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? बेनिफिट्स बताने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ तो बता दूं कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने अभी अभी अनाउंस किया कि वो इंडिया को दुनिया का नंबर वन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर बनाने वाले हैं। सर, काफ़ी इंप्रेसिव नहीं है? इलेक्ट्रिक कार्स का मेरा फेवरेट पॉइंट पता कौन सा है? एक्सेलरेशन। क्योंकि अब एक इलेक्ट्रिक मोटर है तो आपको जो पावर मिलती है विदाउट एनी लैग, 0 RPM आपको फुल टॉर्क मिल जाती है, 0 to 100 इन ओनली 8.5 seconds। अगर मैं पावर बता रहा हूँ तो दिखानी भी बनती है। सो 3, 2, 1, ओके। सो दिस इज द पावर। पेडल करते ही मेरे को फुल पावर मिल जाती है, हालांकि मैं ज़्यादा इसको तेज नहीं करूँगा। एक और बार वैसे करके दिखाता हूँ आपको अभी। नाउ आई एम राइट नाउ ऑन 60। सो 3, 2, 1, दिस इज द पावर। क्या क्या 80, 85, 100, 120, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द कंपनी यहाँ पर आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस MG ZS EV। ये 2021 एडिशन है, इसका मतलब ये है कि रफ एंड टफ रोड्स पे ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। इतना ही नहीं, आपको मिल जाती है यहाँ पर बेटर रेंज भी। कंपनी के हिसाब से 10-20% का एक्चुअल रेंज में आपको जो फ़र्क आएगा वो डेफिनेटली आप उसे ऑब्जर्व कर पाएंगे। हालांकि अभी हमें इतना मौका नहीं मिला कि हम इसको अच्छे से एक रेंज टेस्ट इसका कर पाएँ, बट डेफिनेटली वो भी जल्दी आएगा। और वो आपको कहां पर मिलेगा? हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो वहां पर भी मुझे फॉलो ज़रूर कर लें। हैंडलिंग है वो भी काबिले तारीफ है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इलेक्ट्रिक कार्स का जो बैटरी पैक होता है वो नीचे होता है, तो सेंटर जो आपकी ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो कहीं ना कहीं यहाँ आती है। अगर आप पेट्रोल डीजल इंजन की बात करें तो जिन गाड़ियों की वहाँ पर इंजन होता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी करीब यहाँ पर आता है। उसकी वजह से दिक्कत आपको क्या रहती है कि बॉडी रोल काफ़ी महसूस होता है, और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी पैक नीचे होने की वजह से गाड़ी काफ़ी स्टेबल रहती है। ऑन दी हाईवेज बॉडी रोल आपको बहुत कम महसूस होता है बिकॉज ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब गाड़ी सड़क पर चिपक कर चलने वाली है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा कर्स मोड के बारे में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी रीजनरेटिव सिस्टम। यहाँ पर इसका बटन रहता है, लेकिन ये होता क्या है? इसमें लेवल रहते हैं 1, 2 एंड 3। 3 लेवल में क्या करता है, जब आप एक्सलरेट करते हो तो गाड़ी तो आगे को चल रही है, गाड़ी को पावर मिल रही है आगे चलने के लिए। जैसे ही आप एक्सलरेटर से पैर हटा देते हैं, उस समय ब्रेक नहीं भी लगाएंगे तब भी गाड़ी एक झटका देगी। जैसे एक मोशन में चल रही है, एक्सलरेटर से पैर हटाया तो वो ऐसे करके थोड़ी सी स्लो होने शुरू हो जाती है। ऐसा आपको नॉर्मली तब होता है जब हम ब्रेक लगाते हैं, लेकिन हमें ब्रेक लगा नहीं रहे हैं, बहुत हल्के से गाड़ी थोड़ी थोड़ी स्लो होती है। वो एनर्जी को ये यूज़ करके बेसिकली बैटरी चार्ज कर रहा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी को रीजनरेट करता है और उसके सिस्टम में डालता है, जिससे बैटरी चार्ज होती है, थोड़ी थोड़ी होती रहती है, जिससे रेंज आपको ज़्यादा मिल जाती है। जब 3 मोड होता है तो ये तेज चल रही है और एक्सलरेशन पर हटाया तो ऐसे होती है। वैसे 2 है उसमें ये इफेक्ट जो है वो कम फील होता है, लेकिन फिर बैटरी चार्ज भी कम होती है, जा रही है और थोड़ा धीरे होगा। 1 में आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा, जैसे कि नॉर्मल हमें पेट्रोल और डीजल में होता है कि नॉर्मली एक्सलरेशन छोड़ दी तो वो उसी कांस्टेंट स्पीड पर थोड़ी देर लगातार चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि उसकी ब्रेक का इफेक्ट आता है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक में आदत डालनी पड़ती थोड़ी सी। अगर 3 मोड रख रहे हैं तो थोड़ा सा एक ऐसे झटका आपको लगता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल डीजल नॉर्मल कार्स, लेकिन उससे रेंज आपकी काफ़ी बढ़ जाती है। तो जो कार एंथुजियास्ट है उनके लिए तो सीधा सीधा वो मोड नंबर 1 ही चलेगा, जिसमें उनको किसी तरह का कोई डिफरेंस फील नहीं होगा और एक्सप्रेशन भी अच्छी होगी, फन टू ड्राइव एलिमेंट है। लेकिन अगर आपको रेंज ज़्यादा चाहिए तो 3rd ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगी।
अब मैं बात करना चाहूँगा आपसे एक और पॉइंट के बारे में, द मैजिक नंबर 5। MG कंपनी को ना नंबर 5 बहुत पसंद है, क्योंकि आपको मिल जाती है यहाँ पर 5 ईयर्स की रोड्स असिस्टेंस, 5 ईयर्स की आपको मिल जाती है वारंटी विद अनलिमिटेड किलोमीटर्स, 5 आपको सर्विसेज मिलती हैं, लेबर फ्री रहेगी जिसमें, और उसके साथ साथ 5 वेज ऑफ चार्जिंग भी यहाँ पर आपको मिलेगी। 50 किलोवाट का चार्जर जो कि DC फास्ट चार्ज है, जो गाड़ी को आपको 0 to 80% ओनली इन 50 मिनट्स। हालांकि कोई भी गाड़ी को जब चार्ज करता है तो 0% बिल्कुल डिप्लीट तो कोई भी नहीं करता, 5-10% तो रहेगी, तो चार्जिंग टाइम उस अकॉर्डिंगली लगा लें। दूसरी फास्ट ऑप्शन आपके पास बच जाती है द AC चार्जर। जब आप गाड़ी को परचेज करते हैं तो 7.7 किलोवाट का आपको एक सिस्टम मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पर इंस्टॉल किया जाता है, जिससे आप इस गाड़ी को 7 to 8 आवर्स में कंप्लीटली चार्ज कर पाएंगे 0 to 100। थर्ड ऑप्शन आपके पास आ जाती है नॉर्मल एक प्लग एंड प्ले सिस्टम, जिसको 15 एम्पीयर का प्लग है, जैसे आप अपने लैपटॉप को चार्ज करते हैं इस गाड़ी को भी कर पाएंगे, लेकिन उसको टाइम जरूर लगता है टोटल चार्ज करने में 17 to 18 आवर्स, बट कहीं पर भी प्लग करें उससे उसको चार्ज कर पाएंगे। फोर्थ ऑप्शन, अगर आप किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, कहीं घूमने गए और एकदम से आपकी बैटरी है बिल्कुल डिप्लीट, आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला है, तो एमरजेंसीज के लिए एक मोबाइल वैन आपके पास आती है MG की तरफ से, जो आपकी गाड़ी को चार्ज करती है कुछ हद तक, ताकि आप उसको शोरूम में लेकर अपनी चार्ज कर सकें। और फिफ्थ ऑप्शन आपको वही मिल जाती है कि अलग अलग शोरूम्स में ऑल ओवर इंडिया मेजर रूट्स पे, मेजर शोरूम्स में आपको फास्ट चार्ज, AC चार्जर, ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर पाएंगे। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, तो सारी बातें कहने के बाद मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर हम एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे तो एनवायरनमेंट भी हमारा ध्यान नहीं रखने वाली है। सो विद दैट सेड, हैप्पी अर्थ डे टू एवरीवन, एंड प्लीज़ एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और आपको पता है कि यूट्यूब वीडियो ख़त्म होने पर क्या करना होता है, तो वो ज़रूर कर दे। बाय बाय।